वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीज ऑफ द फॉलोइंग लोगर, राइट। आप करेक्टरिस्टिक इस तरीके से फाइंड करते हैं, सही है। पहले इसमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और फिर इस नंबर की वैल्यू, इस वैल्यू को जो है वो हम क्या कहेंगे, टेबल से देखेंगे तो उसका आंसर उसको क्या कहेंगे, मेंटीज। आप करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल देख लें। पहले देखें, ये मैंने नंबर लिखे हैं आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, राइट। इस एग्जाम्पल से आपकी समझ में आएगा। डेसिमल इसके एंड में है, राइट। आप डेसिमल से बिफोर देखें कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 4। सिमिलरली यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4 डेसिमल एंड में। डेसिमल से बिफोर देखते हैं कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4 4 डिजिट है, तो 1 लेस होगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 3। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 3 डिजिट्स हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 2। 2 डिजिट हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1। 1 लेस होता है इसका। अगर सिंगल नंबर है तो ये एक नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब अगर सपोज करें डेसिमल से पहले कोई डिजिट ही ना है, ओके, 1 0 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, -1। इसको 1 बार भी लिखते हैं। अगर डेसिमल के बाद ये पहले 1 0 और 1 0 ही रहा, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, -2। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखें, 0 0 5। अब देखें इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, डेसिमल से पहले एक डिजिट 0 और फिर इन 0 को भी काउंट करते हैं आप, तो 1 2 3 बिफोर द डिजिट, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, ये रूल होता है करेक्टरिस्टिक का, सही। अब मेंटीसा कैसे देखते हैं वो हम आपको समझाते हैं, ये एक्सरसाइज देखते जाएँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, सही। अब देखें आप, हमने ये सॉल्व की हुई है, टेबल से भी आपको बताते जाएंगे इसको। देखिए 8, अब इसका हमें लॉगरिथम टेबल से क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। इसके करेक्टरिस्टिक कितना होगा, जल्दी से बताएं, डेसिमल एंड में, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0, ओके। अब मेंटीसा देखना है, मेंटीसा के लिए रूल ये होता है कि जब भी कोई नंबर गिवन हो आप, तो हमेशा 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लें। ये 8 है ना, तो इसके आगे 3 जीरोज लगा दें आप बगैर सोचे समझे। 4 डिजिट में हो गया, हमेशा पेयर की फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट पेयर ये क्या हो गया, 80, और इसका 0 कॉलम में आपको वैल्यू देखनी है। लॉग टेबल हमेशा 10 से स्टार्ट होती है, ओके, 10 2 डिजिट में चलती है, 10 11 12, इसीलिए ये सिंगल डिजिट था तो हमने क्या करा, 0। हमेशा जब भी लॉग टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है तो नंबर को 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लें। अगर सिंगल डिजिट है तो 3 जीरो लगा दें, 2 डिजिट आपको गिवन है तो आगे 2 जीरो खुद प्लेस कर दें, तो इस तरीके से आप टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए ये क्या है, क्या बन गया, 80, सही, और 0 कॉलम। अब ये 80 और 0 कॉलम क्या है, अब ये देखें आपकी बुक में लॉग टेबल गिवन है। अब आप इसमें ईजिली जो है देखें, 10 से स्टार्ट हुई है ना, ओके। अब हमें किस में जाना है, हमारा नंबर क्या था, 80, ओके, तो देखें 80 इज हेयर, ये देखें वोट से एक वैल्यू देख लें, ये रहा 80 के 0 में कितना है, 9 0 3 1, राइट। अब हम इसको लिखेंगे कि किस तरीके से देखें, वो ये लिखा आपने 9 0 3 1, ये लिख दिया आपने, दिस इज मेंटीसा, और करेक्टरिस्टिक इसका कितना कितना, 0, ये 0 पहले लिखा और बीच में डेसिमल प्लेस कर दिया। इस तरीके से ये लॉग टेबल से आपने वैल्यू, ये करेक्टरिस्टिक है और इसको क्या कहते हैं, मेंटीसा। आप और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप आसानी से इसे समझ पाए। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट देखें, ये क्या है, 5 0 5 4, ये तो 4 डिजिट में तो कोई इशू नहीं, बताइए इसका करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, डेसिमल एंड में तो 4 डिजिट है, तो 3 करेक्टरिस्टिक हो गया, ये रहा 3 करेक्टरिस्टिक। अब इसका आंसर हमें टेबल से देखना है, तो 50 के 5 कॉलम में जाएंगे और 4 का डिफरेंस देखेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.7036। मैं बता भी देता हूँ आपको, ये लें टेबल देखें, ये देखें अब हमें किस में जाना है, 50 0 में, ये वैल्यू भी देखते जाएँ साथ साथ। ये है हमारे पास वैल्यू, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये देखें 50, ये देखें 50 के 5 में
4 का मीन डिफरेंस। अब देखें आप 50 के 5, 50 टेबल में आप फाइंड करेंगे 50 का है, ये रहा 50, देखिएगा 50, देखें ये रहा 50, क्लियर। अब इसके 5 का मतलब ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला 0 होता है, 0 कॉलम, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये वैल्यू क्या है, 7033, ये लिख लिया हमने 7033, ये नंबर लिख लिया हमने यहाँ पर। ओके, अब हमें किस कॉलम में जाना है, देखिएगा 50 फिफ्थ कॉलम में, 50 के फिफ्थ में गए तो ये आ गया 7, और डिफरेंस कितने का देखना है, 4 का, 4 का डिफरेंस इस तरीके से देखा जाता है, देखें पहले 50, दिस इज 50, और आप किस में गए, 5 में, अब 4 का मेन डिफरेंस ये 1 है, 2, 3, 4, 4 का डिफरेंस कितना है आपके पास, 4 का डिफरेंस कितना है, 3, ये 3 इसको ऐड कर दें आप इसमें, देखें इस तरीके से ऐड करते हैं इधर इस कॉलम में यूनिट प्लेस पर, 7036, ये सही है, और ये डेसिमल प्लेस कर देते हैं, और इसका करेक्टरिस्टिक कितना था, 3, तो ये आंसर हो गया आपके पास 3.70, ये आ गया 3.7036, राइट। हमसे तो सिर्फ ये कहा है करेक्टरिस्टिक और मेंटी से बताएं, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया बेटा, 3, करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 3, और मेंटिसा करेक्टरिस्टिक हो गया 3, और मेंटिसा ये हो गया 0.7036। नेक्स्ट नंबर में जल्दी से बताएं, अब इसका देखें डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 0, ये लिख दिया हमने 0। ओके, अब इसका टेबल से अगर हम वैल्यू देखेंगे तो क्या देखेंगे, 99 के 9th कॉलम में वैल्यू देखेंगे और 2 का डिफरेंस देखेंगे, उनको ऐड कर देंगे, 9 के 9 में वैल्यू आएगी आपके पास, वो फिर 2 का मेन डिफरेंस आएगा, उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9997। ओके, गेट इट। नेक्स्ट ये देखिए, इसका करेक्टरिस्टिक बताएं आप, देखिए डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। और इसकी वैल्यू अगर हमें देखनी है तो किस तरीके से देखेंगे, हमेशा पेयर बनाए, बताया था ना आपको, 76 लॉग टेबल में देखें, 76 के 5th कॉलम में वैल्यू लिखें, और उसका जो है वो 3rd कॉलम का मीन डिफरेंस ऐड कर दें, तो जब आप ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 0.8839। आखिरी कुछ वैल्यूज का मैं और दिखा दूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने तरीका शुरू में बता दिया, आप बजट टेबल से देख लें, इसमें बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, अभी मैं समझा चुका हूँ। इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, देखो इसका क्या है, -1, -1, -1, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया, -3, ये आ गया करेक्टरिस्टिक -3। अब इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, देखें ये मैं देख के बताऊँगा, अब यहाँ पे डिजिट कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इसका 32 के और 9 कॉलम, 32 एंड 9 कॉलम, अब देखते हैं, देखें आप इससे सीख जाएँ, और 32 देखिएगा, दिस इज 32 और 9 कॉलम देखिएगा, ये देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया 5302, राइट 5302, तो इसका मेन डिफरेंस 32 और 9 कॉलम। ओके, 32 के 9 में जब देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.5172, सॉरी ये वो है, अभी तो अगेन देख लेते हैं, ये हम किसी और में, ये 32 है, ओके 32 इसकी सीध में जाना है आपको, अच्छा ये पहला वाला 0 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये है 9, 5172, राइट। ये हमने देखे मेंटी से लिख दिया, अब मेरे ख्याल से आपको टेबल यूज़ करना आ गई होगी, ये 5172। नेक्स्ट देखिए, इसका जल्दी से करेक्टरिस्टिक बताएं, देखिए 0 काउंट कर लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5 डिजिट से पहले पहले ये, तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया -5, और इसकी वैल्यू किस तरीके से देखेंगे आप, 30 के 0 में, 30 के 0 में, जैसे देख लें एक और देख लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, 30 0, ये देखें ये 30 है, और इसकी जगह 4771, ये देखें ये मैं दिस इज़ योर, मैं ये आगे देखें 4771, कोई कॉलम में जाने के लिए, राइट। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो एंड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लोगेथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मेरे ख्याल से वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, ये पार्ट ए है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ईजिली डन करेंगे। थैंक यू।